सनातन धर्म में देखा जाता है आज के समय में हर कोई अपने माथे पर तिलक लगाता है। आखिर तिलक का धार्मिक महत्व क्या है, आइए जानिए पंडित जी से। दिन के अनुसार कौन सा तिलक लगाए? तिलक सनातन धर्म का चिन्ह है, प्रतीक है। तिलक लगाने से हमारे जीवन में एकाग्रता आती है और सनातन धर्म में तिलक का बहुत महत्व है। यदि हम अपने इष्ट के अनुसार या दिन के अनुसार तिलक लगाते हैं तो हमारे जीवन में और भी सुख समृद्धि ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस क्रम में सबसे पहले सोमवार के दिन यदि सफ़ेद चंदन का तिलक लगाया जाए, भस्म का तिलक लगाया जाए, सफ़ेद विभूति का तिलक लगाया जाए तो भगवान शंकर की कृपा हमारे जीवन में बरसती है। मंगलवार के दिन यदि चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर का तिलक लगाया जाए तो हनुमान जी महाराज की कृपा हम पर बरसती है। लाल सिंदूर या लाल कुमकुम का तिलक भी लगाया जाए मंगलवार के दिन तो भी मंगल महाराज प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। बुधवार के दिन सूखे सिंदूर का यदि हम तिलक लगाते हैं या चंदन घिस करके माथे पर तिलक लगाते हैं तो बुध देवता प्रसन्न होते हैं। और गुरुवार के दिन चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस करके उसमें केसर मिला करके हम यदि तिलक लगाते हैं तो देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। इसी क्रम में यदि गुरु महाराज को प्रसन्न करना है तो हल्दी घिस करके भी माथे पर तिलक लगाएं, पीला तिलक लगाने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। शुक्रवार के दिन भगवान शुक्र को प्रसन्न करने के लिए लाल चंदन का तिलक लगाया जाए तो शुक्र प्रबल भी होता है और खुशबू यानी इत्र मिला हुआ चंदन लगाने से भी हमारे जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। शनि महाराज शनिवार का जो दिन है, शनि महाराज के साथ साथ यमराज और काल भगवान का भी दिन है। इस दिन भस्म धारण करें या फिर सिंदूर का या लाल कुमकुम का तिलक लगाएं तो उससे भी हमारे जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो भैरव के जातक है या शनि महाराज के जातक हैं वो अपने जीवन को सुखद करने के लिए थोड़ा सा शनिवार के दिन काजल का भी प्रयोग तिलक में कर सकते हैं। रविवार सूर्य देव का दिन है, रविवार के दिन लाल कुमकुम रोली या लाल चंदन का तिलक लगाने से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य पाने के लिए सात दिन के अनुसार, सात वारों के अनुसार यदि हम तिलक धारण करेंगे तो हमारे जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जय श्री।